17 दिन के बाद पिताजी से मिल रहे हैं हम। भाजी की हाल है? बढ़िया, की हाल है? ठीक है, ओके। अरे रोटी खाने में पापा तो गाइस 17 दिन के बाद नाउ आई एम नेगेटिव। कोरोना खत्म, कोरोना की लड़ाई लड़ ली है हमने और अब घर को सैनिटाइज कराने की बारी आ गई है। और ये देखो अर्बन क्लैब की टीम आ गई है सैनिटाइज करने के लिए। आइए सर। तो अभी घर पूरा सैनिटाइज होगा बढ़िया से, एक एक कोना कोना। अब हम दिखाते हैं आपको प्रोसेस कि सैनिटाइज कैसे होता है। होम सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो और उसके बाद आपको कराना पड़ता है फॉर सेफ्टी फॉर अदर्स। 17 दिन के बाद भाई नेगेटिव आया, 17 दिन के बाद। और अब पहला काम, सबसे बड़ा काम ये है कि घर को सैनिटाइज कराना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने जगह हाथ लगे होंगे तब जाके वाला कि दूसरे लोगों को भी एक थोड़ा तसल्ली रहती है कि चलो तसल्ली रहेगी कि घर जो है वो डिसइंफेक्टेड हो गया, कि फैमिली मेंबर्स सेफ है हमारे। तो इसीलिए मैंने कोरोना वाला, उसको कोरोना वाला बोल रहा हूँ भाई, सैनिटाइजेशन के लिए, होम सैनिटाइजेशन के लिए बुलाया है। वैसे मैंने अर्बन क्लैब से बुक किया था, अगर आपको भी इन्हीं बंदों का नंबर चाहिए तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उनको बुला के क्या करवा सकते हो। तो भाई पहले ये बता तेरे को सबसे बड़ी थैंक यू सो मच कि आप मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं उनसे, वो इसलिए कि पुरानी वीडियोज़ क्यों आ रही है, हम पुरानी रिपीटेड वीडियोज़ क्यों डाल रहे हैं। रीज़न आपको पता कि हम लोग 17 दिन तक घर के अंदर बंद थे और इतनी ज़्यादा जो वीकनेस थी वो आ चुकी है कोरोना के बाद कि क्या बताऊं, कि कुछ देर काम करते हैं और चक्कर से आने लग जाते हैं, घोड़े से नीचे पूरे पैर दर्द होते हैं हमेशा। और बाकी ये भी रीज़न था कि ठीक होने के बाद भी हमने 2-4 दिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया कि हम हमारी वजह से कोई और बीमार ना, मतलब कि फ्राइडे को हम लोग ठीक हो गए थे पर फिर हमने सोचा कि सैटरडे को भी पुरानी वीडियो डालते हैं क्योंकि अभी फिर भी चांस नहीं लिया हमने। हाँ, और अभी सीन ऐसा हो रहा है कि अब आ गया है जी बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू की वजह से नाउ वी आर कंफ्यूज। अभी ये डिसाइड करोगे आप लोग कि हम लोग नॉनवेज पे चिकन की डिशेस आपको दिखाएं या ना दिखाएं, या मटन की डिशेस बना सकते हैं, ये बता दो साहब कि नीचे कमेंट करके ये बता दो कि आप सिर्फ वेज देखना चाहते हो, आप सिर्फ चिकन में हम जाएं या ना जाएं, आप बता, आप खुद बता, थोड़े दिन के लिए चिकन पे जाएं या ना जाएं, आप सिर्फ नीचे बता दो कि नॉनवेज करो या अभी सिर्फ वेज करो, आप बता दो। और इसका मैं पोल कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालूंगा तो आप वहाँ भी बता देना, या फिर हम सिर्फ मटन मटन को कवर कर सकते हैं तो आप बता देना, तो फिर हम वीडियो जो बनाएंगे नॉनवेज की उसमें हम सिर्फ मटन या फिश ही लेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि कुछ दिन के लिए हम लोग प्रिकॉशनली कि हम नॉनवेज दिखाएं ना, तो भी हम वेजिटेरियन हम वेज भी दिखा सकते हैं, वेज भी कंटेंट बहुत है। और बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो हमें कि हम कहाँ पे बनाए वेज, अच्छी कोई वेज ऑप्शन हो, या मटन देखना चाहते हो तो मटन की ऑप्शन बता देना। और ये चीज़ है, प्लस दूसरा ये कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके घर में किसी को कोरोना हुआ है चाहे ना हुआ हो तो आप होम सैनिटाइजेशन के जरूर बुला, एक बार करा लो, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं। ऐसा होता है कि जब आप घर पे काम वाली आती है बाहर से आती है, बाहर से सब्जी आती है, बहुत सारी चीजें आती है जिस चीज का हमने पिछले 8 महीने में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरी बार मैंने हैंड सैनिटाइज कब किया था, 17 दिन तो मैं बस ही घर पे था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं और अभी भी सैनिटाइजर ज्यादा यूज नहीं करते, वो लोग हाथ धो लेते हैं, छोड़ देते हैं। भाई देखो एक बात है कि मुझे पता है कि कई लोग मास्क इसलिए पहनते हैं चलान ना हो। भाई 2000 का चलान से कहीं महंगी आपकी जान, अपनी जान के लिए पहनो भाई, अपने आप को बचाने के लिए। 2000 की बात नहीं है। अभी आप देख सकते हो अभी शिखा की जो मॉम है वो उनकी तबीयत खराब है और अभी भी शिखा हॉस्पिटल में है, तो हम लोग भी आना जाना कर रहे हैं वहाँ पे। तो कोविड जो है ना वो बहुत गंदी बीमारी है और थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेयर्स, बहुत विशेस, बहुत प्रेयर्स, भगवान की वजह से हम बच गए, मतलब कि हमने कोरोना की लड़ाई लड़ ली फिलहाल। बट ये है कि यहाँ वीकनेस बहुत आ गई है, मेरा 15 दिन में 7 किलो वजन हो गया, 15 दिन में भाई आफ्टर इफेक्ट तो होता है जो हम गोल्ड जिम भी करवाए कोरोना ने कर दिया। बट भगवान ना चाहे कि किसी को भी कोरोना, ऐसा वेट किसी का भी कम ना हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले तो अपना होम सैनिटाइज करवा लो, अगर आपने नहीं करवाया है बहुत ही सस्ता है, आप कहीं से भी करवा लो, कहीं से भी करा लो, जरूरी नहीं इसी बंदे से कराना है, कोई हमारा कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, आप इससे मत कराओ बेशक, किसी और से करा लो, लेकिन करवा जरूर लो फॉर अ सेफ्टी रीजन, आप करवा लो ताकि किसी को भी कोरोना ना हो। दूसरी चीज़,
बुजुर्गों का ख्याल तो बहुत रखो क्योंकि उनको बड़ी जल्दी पकड़ता है ये, और बस वही चीज है कि लंग्स पे ना चला जाए। इन केस अगर आपको लगता है कहीं आपको थोड़ा भी सिम्टम लग रहा है टेस्ट कि मैं कहीं एक्सपोज हुआ हूँ वायरस के साथ, टेस्ट करा लो। आप टेस्ट करा लो, बाकी जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आए या कुछ दिन के लिए घर वालों से थोड़ा सा अपने को आइसोलेट कर लो, बाकी 1% चांस में भी वो इन्फेक्शन ना हो। 17 दिन हमने क्या क्या लिया वो बताए थे, जिंकोविड टैबलेट ली थी हमने, मैंने भी ठीक है, बुखार के लिए ली थी, एंटीबायोटिक चली थी, गले के लिए जो खराश थी उसके लिए हम या तो कोई कोई सिरप टैबलेट्स आती है, बुखार चढ़ रहा है या तो आप डोलो 650 ले लो, नहीं तो अगर घरेलू इलाज के लिए गिलोय का जूस पिया हमने, एक काढ़ा लो और गिलोय का। मैं कभी सोचा नहीं था कि हम पिएंगे, बट मैंने बहुत पिया, काढ़ा पिया है, गिलोय का पौधा भी लगा लिया। और हाँ, और अगर आपको जूस पीना है तो आप घर के फ्रेश निकाल के पियो। किसी ने ये भी रिकमेंड किया है कि कच्ची हल्दी को पानी में उबाल के पानी पी लो, तो आप भी ये सब चीजें करना अगर आपको लगता है भाई। इससे ना पता क्या होगा, फायदा होगा ठीक है, नहीं भी होगा तो नुकसान नहीं है। तो बस यही है, अभी मैं आपको अब जो पार्ट आ रहा है आप वैसे भी शुरू में देख लिया होगा, अब जो पार्ट आएगा आप देखना कि होम सैनिटाइजेशन कैसे हो रहा है। दो तरीके के होते हैं, एक वेट वाला होता है और एक ड्राई वाला होता है, ये दोनों चीजें होती है, स्मोक वाला भी होता है, ये स्मोक और वेट होता है, ये दो तरीके के होते हैं। तो दोनों चीजों का करवाया मैंने ताकि एकदम डिसइंफेक्टेड हो जाए, क्योंकि घर में लोग आते रहते हैं और हम लोग भी बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो उस वजह से भी है। तो मिलते हैं आपको कल, नया वीडियो आ रहा है, हम शूट करके आए हैं जस्ट अभी, तो बने रहो और देखो। और आगे जब अगर हम लोग ठीक हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग बल्कि बीमार नहीं है, तो आपको नया वीडियो नया कंटेंट ही मिलेगा। इनकेस अगर कोई पुराना वीडियो आ रहा है तो अगर आप समझ लो कि कुछ हमने शूट नहीं डाल पाए, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, और हमने जब डिसाइड किया था कि 1 हफ्ते में 3 वीडियो डालेंगे तो हम 3 वीडियो ही डालते हैं, 6:30 बजे ही डालते हैं, ना कि 7:30 बजे। हमारा कभी 7 बजे कभी 6 बजे, एक टाइम है और 3 दिन है हफ्ते में। तो बस ठीक है, विश यू अ वेरी वेरी गुड लक और हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लाइफ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे सेफ। मन लिया यार, भटूरे ले आया। तो जैसा कि भैया ने बताया, इनके पास दो तरीके के होते हैं, एक वेट वाला होता है और एक होता है स्मोक वाला। उसमें करना क्या होगा कि ना, आधे घंटे के लिए आपको वो स्मोक कमरे में रोकनी पड़ती है। तो पापा वाले कमरे में तो हम वेट वाला करवाएंगे, क्योंकि पापा स्मोक में नहीं बैठ सकते। बाकी कुछ कुछ जगहों पे स्मोक वाला होगा, कुछ कुछ जगहों पे वेट वाला। तो ये तैयारी कर रहे हैं अपनी, किट पहन रहे। कितनी देर लगती है भैया? इसको 30-45 मिनट्स करते हैं सैनिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है जी। ये दवाई डल रही है, क्या होता है, क्या चीज होती है? ये क्या डिसइंफेक्शन केमिकल होता है। तो ये वीडियो वहां दिल से थोड़ी भी डालेंगे। हाँ, आपके बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं मैंने। क्या बात है भैया जी, सब्सक्राइबर निकले हमारे। तो अभी कुछ करना है इसमें? हाँ, अभी पानी डाल रहा है उसमें। अच्छा, पानी डाल रहा है। तो ये वेट वाला हो रहा है क्योंकि इसमें सामान नहीं है इस कमरे में ना, इसीलिए। तो जिस कमरे में सामान पड़ा होता है वहाँ पर ये लोग स्मोक वाला करते हैं ज्यादा प्रेफर। ज्यादा प्रेफर क्योंकि केमिकल्स होते हैं। हाँ, तो इसमें स्पॉट आने का भी खतरा होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको केमिकल को ज्यादा यूज नहीं करते। एक्चुअली में वैसे है तो जीएमपी रिकमेंडेड एंड डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड केमिकल्स है। अच्छा, जो हॉस्पिटल्स में भी यूज करे जाते हैं। ओके, अगर आपके घर पे कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है या पूरा सेफ्टी रीजन भी आप करवा सकते हो अपने घर पे, और अर्बन क्लब से बुलाया मैंने, अर्बन क्लब से भी बुला सकते हैं आप, नहीं तो कोई भी एक तो सारे प्राइवेट भी खुल गए, वहाँ से भी जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से बुला के करवा सकते हो। तो ये मेरा 4 BHK है, तो मैंने 4 BHK के 1800 रुपये दिए। तो आपके BHK पर डिपेंड करता है इनकी प्राइसिंग,
वन बी एच के वाला कौन सा होता है वो मेरे ख्याल से 800 रुपये का। ये देखो भाई अब यहाँ पे स्मोकर लग रही है, ये गेट्स वगैरह पे जितने भी हाइटें चेंज होते हैं डोर्स वगैरह होते हैं हाँ। इनपे हम केमिकल स्प्रेड करते हैं, ठीक है, केमिकल ज़्यादा देर तक रहता है हाँ। ज़्यादा ठीक रहता है ओके। ये स्मोक वाला है, इसमें से स्मोक निकलेगी, इसमें पहले दवाई डाली जानी है। एक दिन में कितने भले कि अभी तो डिमांड बढ़ गई होगी बहुत, अभी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, नहीं कमाल है यार, पहले डिमांड थी, अब नवंबर से पहले अब डिमांड नहीं है। ऐसा क्यों, बल्कि करवाना चाहिए लोगों को। अब ये स्मोक वाला है, अभी मशीन को रेडी होने में कुछ मिनट लगेंगे। अच्छा चार्ज होगा, ये चार्ज नहीं होगा, ये हीट होगा। अच्छा हीट होगा हाँ ओके। अब ये साउंड सुन सकते हैं इसका, फैन जैसे सिस्टम में फैन होता है ना प्रोसेसर के ऊपर, वैसे इसके ऊपर भी फैन तो ये उड़ जाएगा अपने आप हाँ। ये कपड़ा मारने की जरूरत तो नहीं ना, कुछ भी नहीं। किचन को किया जा रहा है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर बंदे के हाथ लगने के चांसेस ज्यादा हाथ लगते हैं वहाँ वहाँ पे केमिकल का डायरेक्ट स्प्रे करा जाता है। अच्छा, और जो मेन पर्पस है वो एयर वाले का, अगर बाय चांस कोई एयर में वायरसेस है या कुछ भी है उस सेफ्टी पर्पस से हम एयर वाला यूज करते हैं। अच्छा, ये 20% आपको दिखता थोड़ा सा दिखेगा, एकदम ड्राई हो जाएगा ऑटोमेटिक। गैलरी पे भी मार देना चाहिए, गैलरी पे जो होता है वो करेक्ट केमिकल स्प्रेड करता है। अच्छा, प्लांट्स पे नहीं मारते, प्लांट्स डेड हो जाएंगे। अच्छा, तो ये देखो गाइस, होम सैनिटाइजेशन मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको हल्का सा डाउट भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उससे मिलने जा रहे हो, वापस आते हो घर पे, फिर मल्टीपल चक्कर लग रहे हैं आपके या डॉक्टर्स के लग रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लग रहे हैं, तो फॉर अ सेफर साइड आपको करवाना चाहिए एक बार। और जब एक बार हो जाता है ना, तब एटलीस्ट थोड़े दिल को तसल्ली होती है कि डिसइंफेक्शन कर दिया हमने, डिसइंफेक्टेड हो गया घर, तो रहने में भी थोड़ा आपको इजी रहेगा। और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो आपको तो पक्का करवाना चाहिए यार ये। इनको वॉश करा लीजिएगा, बियर ग्लासेस ना हाँ। नहीं नहीं वो गिलास है। अच्छा, बॉटल्स को भी साफ करा लो पानी से, सिर्फ ग्लासेस को। अब ये फॉग वाला होगा, देखो सुन। तो ये ऑटो पे कर दिया आपने? हाँ, ये ऑटो पे, ये कंटिन्यूस चलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होंगे उस पर हम वाटर वाला स्प्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि करंट लगने का डर हो सकता है। अभिषेक बाबा ने रोटी खा ली, उस कमरे में ले जा बाबा को।